हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है आज आपके लिए लेके आई हूँ रेकी म्यूज़िक के ऊपर। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या रेकी करते वक्त हमें म्यूज़िक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर हम करेंगे चर्चा कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग रेकी विद म्यूज़िक और विदाउट म्यूज़िक। तो प्यारे दोस्तों, रेकी जो है बहुत पुरानी पद्धति है। 18वीं सदी से डॉक्टर उसवी की हम बात करते हैं, तो उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, म्यूज़िक सिस्टम नहीं होते थे, तो हम जो है रेकी बिना म्यूज़िक के शुरुआत करते थे। उस समय रेकी नहीं हो, म्यूज़िक सिस्टम नहीं था कि आपने किसी ने आपको म्यूज 3 मिनट की कैसेट लगा दी। मेरे ज़माने में आज से 30 साल पहले कैसेट्स चलती थी, तो हम रेकी म्यूज़िक की 3 मिनट की कैसेट्स लगा के चला देते थे। पर डॉक्टर उसी के ज़माने में कैसेट का ज़माना नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, तो हम रेकी कैसे करते थे। तो रेकी करते वक्त अगर म्यूज़िक नहीं लगाते तो इट इज़ ओके, क्योंकि हमारे पास जो है, हमें हमेशा रेकी जब करना चाहिए तो अपने अंदाजे से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि एक ये नियम था 3 से 5 मिनट रेकी करने का हर पॉइंट पे, जो आज भी कायम है। तो जिनके पास म्यूज़िक नहीं होता है तो वो जो है 3 से 5 मिनट तक, जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं और अपने बॉडी पे रखते हैं, तो आपने जैसे मान लीजिए अपने क्राउन चक्रा पे आप हीलिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप हीलिंग देते हैं आपकी आंखें बंद होंगी और आप खुद महसूस करेंगे, फील करेंगे कि वो रेकी की एनर्जी जा रही है या नहीं जा रही है। तो आपकी इंट्यूशन पावर से अगर आप हीलिंग करते हैं तो आपको अपनी बॉडी का एहसास होने लगेगा, आपको अपनी बॉडी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। जब हम 3 से 5 मिनट वाली बेल म्यूज़िक लगाते हैं तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है कि 3 मिनट घंटी बजी और हमने चेंज कर लिया। तो 3 मिनट की घंटी बजी, फिर हमने सपोजिंग थर्ड आई चक्रा पे हाथ रखे हैं, तो हमने फिर 3 मिनट हो गए, तो फिर हमने थ्रोट चक्रा पे हाथ कर लिया। तो ये पोजीशंस जो हम चेंज कर रहे हैं मैकेनिकली करते हैं कि 3 मिनट्स के बाद हमने चेंज करनी ही करनी है, बट इन एक्चुअलिटी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे थर्ड आई पे एक, जब हम हाथ रखते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ पे अब एनर्जी जाना बंद हो गई है, अब ज़रूरत नहीं है। एक इंट्यूटिव वे में हम हाथ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वो चाहे 3 मिनट हों, 5 मिनट हों, 6 मिनट भी हो सकते हैं, 1 मिनट भी हो सकता है। तो आपके हाथों में एक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है जो आपको इंट्यूटिवली गाइड करता है कि आपने ये हाथ कितने देर तक रखे हैं। तो अगर आप विदाउट बेल म्यूज़िक रखते हो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। विदाउट बेल म्यूज़िक रखने से आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी दे रहे हैं, तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी देना सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा रहता है। 3 से 5 मिनट एक थंब रूल है, क्योंकि लोगों को इंट्यूशन पे इतना विश्वास नहीं है, वो कहते हैं हमें समय का पता नहीं चलता, तो इसलिए वो डेवलप किया गया है 3 to 5 मिनट्स। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश करें धीरे धीरे, अगर 21 डेज की हीलिंग के प्रोसेस में आप हैं तो विदाउट म्यूज़िक भी अपनी बॉडी पे ही ट्राई करें कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका बॉडी आपको, आप सुने उसकी, अपनी बॉडी को, कि मुझे, मैंने अगर हार्ट चक्र पे हाथ रखे हैं तो मेरा हार्ट चक्रा कितनी देर तक हीलिंग देता है। वो 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, एनर्जी जाती रहेगी जब तक आपके उस चक्र की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती। यही तरीका जो है पुराने ज़माने में अपनाया जाता था, तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस है। आप चाहें तो ऐसा म्यूज़िक लगा सकते हैं जिसमें घंटी ना हो, जो कंटिन्यूसली लयबद्ध चलता रहे और आप बस इनवर्ड्स जा रहे हो, ताकि अपनी बॉडी के साथ आप ट्यून्ड इन हो, अट्यून्ड हो। तो बॉडी के साथ जितना आप ट्यून्ड इन रहोगे और आंखें बंद करके डीपली बॉडी में जाओगे, तो आपकी बॉडी आपसे बात करती है, कि वो बताती है कि आपको जो है कितनी देर अपने स्वयं को हीलिंग देनी है। तो ये मैंने अपने अनुभव से करा है, क्योंकि इनिशियली तो मैं भी 3 मिनट का बेल यूज़ करती थी, बट हमारी टीचर्स ने ये भी बताया था कि म्यूज़िक नहीं है तो भी आप हीलिंग कर सकते हो।
तो बिना म्यूज़िक के भी आप हीलिंग कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आज इसको आज के लिए आप इतना करिए कि बिना म्यूज़िक के अपनी इंट्यूशन पावर से आप हीलिंग दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर रेकी ग्रैंड मास्टर संगीता गुप्ता फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ। तो मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं, तो आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोग मेरे साथ वर्कशॉप सीखना चाहते हैं रेकी की, टैरो रीडिंग की, तो मुझे संपर्क करें मेरे नंबर पे 9811142249। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं और मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू सून। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।